बिहार से सबसे बड़ी खबर आ रही है शराबबंदी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि शराबबंदी संशोधन विधेयक जो है वो पास हो गया है और अब जुर्माना देकर छूट सकते हैं आरोपी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में बुधवार को मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को बिहार विधानसभा ने पास कर दिया है। इसे लेकर बिहार सरकार पहले से तैयारी कर रही थी हंगामा होने और इसको लेकर एक मत बनाने को लेकर इससे बजट के अंतिम दिन पेश किया गया। हालांकि बिहार सरकार की कैबिनेट ने इस संशोधन विधेयक को पहले ही मंजूरी मिल गई थी। आपको बता दें कि इस विधेयक में क्या क्या जरूरी चीजें हैं। तो सबसे पहली बात कि नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा अगर आप शराब पीते पकड़े जाते हैं तो। दूसरा, जुर्माना देकर छूट सकता है पकड़ा गया आरोपी। तीसरी पॉइंट, जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि बार बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों होगा। साथ ही जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी। वहीं पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त सामान नहीं पेश करना होगा और पुलिस पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश कर सकते हैं। वहीं नमूना सुरक्षित रखकर जब्त सामान को नष्ट किया जा सकेगा। इसके लिए परिवहन की चुनौती और भूभाग की समस्या दिखाना होगा। और वहीं डीएम के आदेश तक जब्त वस्तुओं को सुरक्षित रखना जरूरी नहीं है। अब मामले की सुनवाई 1 साल के अंदर पूरी करनी होगी और धारा 37 में सजा पूरी कर चुका आरोपी जेल से छूट जाएगा। और इस पूरे मामले को लेकर इस संशोधन विधेयक पास होने के बाद जो मुख्य सचिव हैं वो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी तमाम जानकारी देंगे आपको। लेकिन समाचार प्लस झारखंड बिहार के टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले शराबबंदी से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव जुड़ चुके हैं पटना से। राजीव, एक बड़ा फैसला लिया गया है बिहार सरकार की तरफ से और कहीं ना कहीं ढील दी गई है शराबबंदी कानून में, क्या कुछ अपडेट है? देखिए सुमित, निश्चित तौर पर बिहार शराबबंदी संशोधन विधेयक या फिर आप ये कह सकते हैं कि मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को अब से थोड़ी देर पहले, मुझे लग रहा है कि मुश्किल से 10 मिनट पहले जो है वो बिहार विधानसभा में जो सुनील कुमार मंत्री हैं उन्होंने इस विधेयक को पास किया और उसके बाद सर्वसम्मति से यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सम्मति से इस विधेयक को पास कर दिया गया। देखिए इसके सबसे बड़े जो फायदे हैं सुमित वह यह है कि लगभग 2 लाख लोग बिहार के जेल में शराबबंदी कानून के तहत बंद है और धारा 35 के तहत उन लोगों को अब जेल से मुक्त कर दिया जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वह यह है कि पहले था क्या कि शराब अगर पीते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आपको 3 महीने की कम से कम सजा का प्रावधान था, उसको एक्सटेंड करके 6 महीने साल भर भी किया जाता था। अब उसमें संशोधन किया गया और उसमें यह कहा गया है कि अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 1 महीने की जेल होगी और वो भी जेल तब होगी जब आप 3 बार से ज्यादा लगातार पकड़े जाएंगे। अगर आप पहली बार पकड़े जाते हैं तो स्थानीय थाने स्तर पर ही आपको जो है वो जमानत दे दी जाएगी, जबकि पहले यह नियम था कि आपको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता था पुलिस के द्वारा, उसके बाद कोर्ट जो है फिर जमानत देती थी, यानी कि पुलिस के स्तर पर से ही आपको बेल मिल जाएगा। इसी सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि पहले जो भी शराब पकड़ा जाता था उसको जिलाधिकारी से परमिशन लेने के बाद ही उस शराब को नष्ट किया जाता था। अब पुलिस को यह पावर दिया गया है कि जो भी शराब पकड़े जाएंगे उसको पुलिस जो है वो अपने स्तर से उस पूरे समस्या शराब को विनष्ट कर सकेगी। आप यह कह सकते हैं कि काफी फ्लेक्सिबल, काफी लचीला बनाया गया है इस संशोधन विधेयक में। लेकिन एक चीज राजीव, लगातार हम देख रहे थे कि 3 बार जो विपक्ष है, लगातार हम देख रहे थे राजीव, जो विपक्ष है वो इसे लेकर के बहुत ही ज्यादा हमलावर थी सरकार पर, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर भी बनता हुआ दिख रहा है जिसके बाद से ये विधेयक पास हुआ है। नहीं देखिए, विपक्ष के दबाव में सरकार ने इस विधेयक को पास नहीं किया है, बल्कि आपको याद होगा सुमित कि पटना हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार 3 बार तल्ख टिप्पणी की गई थी नीतीश सरकार पर और यह कहा गया था कि बिहार में जो जज है उनके पास अब वक्त ही नहीं बच रहा है कि वो शराब के अलावे किसी दूसरे मामले की सुनवाई करें। दूसरी बात है कि बिहार का जो जेल है उसमें कैदियों की क्षमता जो है वो 3 लाख से ज्यादा की है नहीं, उसमें 2 लाख से ज्यादा जो है वो शराब पीने वाले लोग ही जेल में बंद है। तो ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट का तल्ख तेवर जब सामने आया और 3 बार लगातार नीतीश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, उसके बाद नीतीश सरकार को यह लगा कि अगर जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में इंटरफेयर कर रहा है तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में अमेंड करना चाहिए। हालांकि
जहां हम अपने दर्शकों को यह चीज बता दें कि शराबबंदी संशोधन विधेयक जो है वो पेश जरूर किया गया है, लेकिन कानून को फ्लेक्सिबल भी किया गया है। लेकिन एक चीज याद रखिए, जो भी लोग शराब पीने वाले हैं या फिर जो शराब पीते हैं चोरी छुपे, कि अगर आप 3 बार से ज्यादा पकड़े जाते हैं तो फिर आपको सरकार कहीं भी किसी भी कीमत पर बकसने नहीं जा रही है। भुगतान राशि भी सरकार ही तय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि उसके बाद सरकार आपको बकसने नहीं जा रही है। और ये भी बात सरकार ने साफ कहा है कि भाई हम किसी को न तो फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। पहली बार अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जा रहे हैं तो ठीक है, अब आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, एक छोटी सी राशि जो है वो आपको थाने में जमा करनी पड़ेगी और लोकल थाना स्तर पर आपको बेल मिल जाएगा। लेकिन अगर उसको आप कंटिन्यूटी में लाते हैं तो फिर आपकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। हालांकि इन सबके बीच निश्चित तौर पर बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर है, और कम से कम उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जो लोग पिछले 6 महीने से बिहार के डिफरेंट जेल में बंद है। अब अंदाजा लगाइए सुमित कि बिहार के जेल में 2 लाख से ज्यादा कैदी जो है वो शराब जो पीने वाले हैं वो बंद है। बहुत बड़ा आंकड़ा है राजीव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर किसी जेल की क्षमता 3 लाख है जिसमें से 2 लाख ऐसे कैदी हैं जो शराबबंदी के लिए वहां पर सजा काट रहे, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुमित, और 35 जो धारा 35 है उसके तहत ही इन तमाम लोगों को निकाला जाएगा। तो कम से कम वो परिवार जिनके लोग जो है वो जेल में बंद है पिछले कुछ समय से, उनके लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत की खबर है कि भाई वो जेल से छूट करके अपने आएंगे तो अपने परिवार के साथ रहेंगे। दूसरी बात है कि जेल पर भी लोड जो है वो कम पड़ेगा। तो आप यह कह सकते हैं कि विपक्ष नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राज्य सरकार ने एक बड़ा ये फैसला लिया है। और फरवरी में ही आपको याद होगा कि फरवरी के फर्स्ट वीक में जब बिहार में कैबिनेट हुई थी उस समय ही कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया था। लेकिन कोई भी जो कानून का रूप लेता है वो कैबिनेट के बाद फिर विधानसभा में जाता है, और उसके बाद फिर विधानसभा में जब सर्वसम्मति से पास होता है उसके बाद ही वो कानून बनता है। तो लिहाजा आज बिहार विधानसभा में ये कानून थोड़ी देर पहले सुनील कुमार राजीव, तमाम जानकारियों के लिए और दर्शकों को, हमारे दर्शकों को सारी जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बिहार से एक बहुत बड़ी खबर मंत्री सुनील कुमार ने पेश किया है, शराबबंदी संशोधन विधेयक वो पास हो गया है। और इसमें आपको बता दें कि कानून जो है ये बहुत तरीके से फ्लेक्सिबल है, लेकिन जो भी शराब पीने वाले लोग हैं, जो लिकर कंज्यूम करते हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है कि उन्हें ढील मिल गई है और सरकार उन पर निगरानी नहीं रखेगी। अगर आप 3 बार से ज़्यादा पकड़े जाते हैं तो सरकार आपके ऊपर ठोस कार्रवाई करेगी, और साथ ही जो जुर्माना होगा वो भी सरकार तय करेगी और आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो बड़ी खबर बिहार की तरफ से, शराबबंदी कानून में ढील मिली है लोगों को। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।